जय हिंद बच्चों, आप सबका मोस्ट वेलकम है करियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए शानदार से सेशन में। मैं अमरेंद्र यादव आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। आप सबके लिए क्लास टेंथ का मैथ्स लेकर आ चुका हूं इस चैनल पर, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स बुक के साथ साथ आर एस अग्रवाल मैथ्स बुक को भी सॉल्व करेंगे। कंप्लीट जो भी आपका चैप्टर्स हैं, कंप्लीट चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको हम कराएंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो आप अगर इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इस जो आपका ये 2024-25 सेशन है, इसमें कंप्लीट जो भी अपडेट है सीबीएसई के थ्रू, जो भी आपका जो है चैप्टर्स में कटिंग हुई है, जो भी आपको क्वेश्चन, जो भी चैप्टर के पोर्शन आपको कट किए गए हैं, उसको छोड़ते हुए जो आपके एग्जाम्स के में आने वाला सेक्शन है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से इस चैनल पर पहला चैप्टर, आपके बुक का पहला चैप्टर नहीं, इस चैनल पर पहला चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसका नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। अब बहुत सारे बच्चों के मन में पहला सवाल उठेगा कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें तो आपका पहला चैप्टर रियल नंबर है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे 9th क्लास में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, जिनको मैथ से डर लगता है, उनको भी ये चैप्टर ऐसा है आसानी से वो समझ सकते हैं। आसानी से समझने का मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो इस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वजह से हमने इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पहला जो चैप्टर चुना वो ट्रिग्नोमेट्री चुना, कि जो बच्चे मैथ्स में एवरेज हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है, वो भी अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं मेरे साथ, उनको भी हम लोग लेकर चलेंगे अपने साथ, उनको भी इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत ही शानदार सा चैप्टर है बच्चों, और ये समझिए कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। एक ऐसा चैप्टर है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, और जब एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया बच्चों, तो आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में अपने आप को आप जो है समझिए कि स्टेबल कर पाएंगे, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हमने इस चैप्टर को चुना हुआ है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री जो आपका शब्द दिख रहा है, वर्ड जो आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें आपको ट्राई, और ये आपका गोनो, और ये मेट्री, इससे आपको बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्राई का मतलब आप जानते हैं तीन होता है, गोनो का मतलब आपको एंगल से है, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट से है। मेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट से है बच्चों, यानी कि मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोणों के माप से ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है। और थ्री एंगल्स होते किस में है बच्चों? तो ट्रायंगल में। इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है यह आपको रिलेटेड है किससे? तो ट्रायंगल से। और ट्रायंगल में भी आप कौन सा चैप्टर, इसमें ट्रायंगल में भी आप कौन सा ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे? तो आप यहां पर पढ़ रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल को यहां पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। और जैसे ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आता है, मुस्कान आती है, आता है, जो भी आपको समझना है समझिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यह हुआ कि उसमें एक एंगल तो फिक्स हो गया, और वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, क्लियर ना बच्चों। अब आपने ये भी पढ़ा है किसके थ्रू? तो आपने पढ़ा होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप जानते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस,
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से आप ये जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहां पर इसकी बात होगी, पूरे चैप्टर में इस ट्रेंगल की बात होगी। तो आइए पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ताकि जो बच्चे जिनको मैथ से डर है, जिनको मैथ फोबिया है, उनको भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे, उनको भी एकदम एक साथ लेकर चलना है। किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, सबके अच्छे मार्क्स लाने हैं, सबके प्रयास से सबको जो है बेहतर करने का जो है मौका मिलना चाहिए। आइए उनको भी हमको लेके चलना है। तो देखिए ये बच्चा 90 डिग्री एंगल है, तो आप जानते हैं बच्चे कि 90 डिग्री एंगल जो होता है उसके ठीक अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपोटेनस कहा जाता है। और इस एंगल को अगर हम थीटा कंसिडर कर लें, थीटा एज्यूम कर लें, मान लें, तो जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर। और ये जो आपका साइड बच गया, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। क्लियर बच्चे? तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस, ये तीन साइड्स आपको होते हैं किसमें, तो राइट एंगल ट्रेंगल में। क्लियर? ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं। और ये किसके थ्रू जानते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम, देखिए बाई पीटी, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपको ये पता है बच्चों कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल की हम बात करेंगे, बोले कितना होगा ये, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। क्लियर? देखो जो ट्रेंगल है इसके थ्री एंगल्स के जो सम होंगे वो आपको 180 होंगे, जिसमें से ये 90 हुआ तो ये बच्चे कितने हो जाएंगे, दोनों का जो सम होगा वो 90 होगा। तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो थीटा टू थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपका 90 आ जाएगा। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, समझिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने एक और फिगर ड्रॉ कर लिया, और इस बार हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये बताओ बच्चों कि ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर ना? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये बताओ बच्चों कि इसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। ये एंगल अगर हम लोग कंसीडर करें, अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग चलें, तो इसके अपोजिट साइड ये वाला होगा ये, और इसको अब हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो साइड है बच्चा ये हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये जो थ्री साइड्स होते हैं इसमें आप देखेंगे कि जो हाइपोटेनस है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। देखो ये हाइपोटेनस आपका इसमें और इसमें दोनों में सेम है, बट आपको परपेंडिकुलर और बेस, देखिए यहाँ पे इस फिगर में परपेंडिकुलर ये है, बेस नीचे है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर नीचे हो गया और ये बेस ऊपर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको चेंज होंगे बच्चे, आप ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम रिवाइज करा दिए। चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस एंगल को आप कंसीडर कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चे हम यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल की बात करते हैं तो यहां पर जो साइड्स है उसको हम लोग बोलते हैं पी बी और एच। ये क्या है बच्चे, तो ये है साइड्स, ये है साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल। क्लियर? ये आपको साइड्स से बच्चे, अब इनमें आप रेशियो सेट करते हैं, इनमें अगर हम लोग रेशियो सेट करें तो देखिए अगर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग यहां पे समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, हम लोग समझने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पहले हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले देखिए जो थ्री साइड्स हैं राइट एंगल ट्रेंगल के उसमें अगर हम लोग रेशियो सेट करें तो देखिए बच्चे यहां पर एक तो रेशियो बनेगा पी बाई एच। देखिए अगर हम पी और एच को लेकर रेशियो सेट करें तो पी बाई एच बन जाएगा।
अगर इसी को हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो h बाई पी हो जाएगा। देखिए p बाई एच इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। अगर हम सेकेंड रेशियो सेट करें तो h बाई बी बाई एच, अगर हम इन दोनों का लेकर रेशियो सेट करें तो b बाई एच हो गया। इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो h बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहां पे देखिए बच्चों p बाई बी करते हैं, अगर हम लोग p और b को लेकर रेशियो सेट करते हैं p बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा b बाई पी। इस तरीके से आप रेशियो सेट कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको समझना है ध्यान से आपको समझना है। और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर हम लोग इस फिगर को मिटा करके ध्यान देंगे, ये सारा चीज आपको हम मिटा करके एक अच्छा सा, एक थोड़ा सा बड़े साइज का यहां पे हम ट्रेंगल ले रहे हैं। देखिएगा बच्चों ये, और इस ट्रेंगल का नेम हमने कर दिया एबीसी, ये आपका 90 हो गया, और ये है बच्चों थीटा एंगल। क्लियर? ये इसको हमने थीटा एंगल एज्यूम कर लिया। अब इसमें देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपका एच, ये थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। क्लियर ना? ये आप अच्छे से जानते हैं। तो पी बाई एच जो है ना, पी बाई एच इस एंगल के लिए कहा जाता है साइन, देखिए यहां पे साइन ऑफ एंगल थीटा। पी बाई एच को क्या बोला जाता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे बच्चों, पी बाई एच को बोलेंगे हम लोग साइन ऑफ एंगल थीटा। ध्यान देंगे आप, साइन ऑफ एंगल थीटा कहा जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, पी बाई एच। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, पी बाई एच। सिमिलरली इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम बी और एच का रेशियो लेते हैं तो बी बाई एच होगा, और इसे कहा जाता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे बच्चों, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में या इसका जो एब्रिविएशन फॉर्म है उसे कहा जाता है कॉस थीटा। इट मींस कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। क्लियर बच्चों? सिमिलरली अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी और बी का रेशियो सेट करें तो इसे हम लोग बोलेंगे पी बाई बी, और इसे कहा जाता है टेंजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अब देखिए यहां पे p बाई एच का रेसिप्रोकल हो गया h बाई पी, तो इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कहा जाता है कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे बच्चों, कोसेक थीटा। सिमिलरली b बाई एच का रेसिप्रोकल h बाई बी हुआ, इसे कहा जाएगा बच्चों सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेक थीटा। क्लियर? बी बाई पी जो कि पी बाई बी का रेसिप्रोकल है, तो इसे कहा जाता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, कॉट थीटा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चों कि साइन थीटा इट मीन्स पी बाई एच, कॉस थीटा इट मीन्स आपका बी बाई एच, और tan थीटा इट मीन्स आपका हो जाएगा, देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा शॉर्ट फॉर्म में, और ये cotangent का एब्रिविएशन या फिर शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, cot थीटा। तो tan थीटा इट मीन्स p बाई बी हो गया, cot थीटा इट मीन्स आपका b बाई पी हो गया, cot थीटा इट मीन्स आपका क्या हो गया, b बाई पी हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, sin p बाई बी, sin थीटा इट मीन्स p बाई बी हो गया, cos थीटा यानी कि बी बाई सॉरी साइन थीटा इट मीन्स आपका पी बाई एच हो गया ना, उल्टा हमने बोल दिया था, गड़बड़ हो गया बोलने में। तो साइन थीटा इट मीन्स आपका पी बाई एच, कॉस थीटा इट मीन्स आपका बी बाई एच, टेन थीटा इट मीन्स आपका पी बाई बी हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल चलते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल आपका होता है कॉसिक, जो एच बाई पी होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, जो आपका एच बाई बी होता है, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, जो आपका बी बाई पी होता है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इसको फिट कर लेना है।